विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान में शुरू होने के बाद काफ़ी अच्छे नतीजे पूरे देश में देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद। इंदौर और इंदौर के आसपास के जो क्षेत्र हैं और इंदौर ज़िला जो है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ जगहों से कुछ ऐसी परेशानियां आई थी वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन एक्सपर्ट से बात करें करने के बाद एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि जो वैक्सीन लगती है वो टीकाकरण का जो अभियान होता है, जो टीकाकरण होता है उसके बाद इस प्रकार की परेशानियाँ अमूमन देखने को मिलती है। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी हमारे इंदौर में किसी प्रकार की दिक्कत जो है किसी को नहीं हुई है और जो यहाँ पर टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था काफ़ी अच्छा उसका प्रतिसाद यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो लोग फिलहाल शनिवार के दिन वैक्सीनेशन के दौरान जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और जो छूट चुके थे उनको फिर से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा और उनको वापस से आज सोमवार के दिन रजिस्ट्रेशन जो जहाँ पर करवाया था जिस जगह उनको पहुँचना है वहाँ पहुँच के उन्होंने टीकाकरण अभियान में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर आज यहाँ पर कोरोना संक्रमण से निजात पाने वाला जो टीकाकरण है उसमें भाग लिया। काफ़ी लोग आज जो पांचों सेंटर पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर जो टीकाकरण अभियान था उसमें भाग लेकर और यहाँ पर टीके लगवाए हैं। कुछ जगहों पर बात करें तो काफ़ी ऐसी परेशानियां देखने को मिली थी जिससे घबराहट और पसीना आना और उल्टियां होना इस प्रकार की जो दिक्कतें थी वहां पर वो दिक्कत भी देखने को मिली, लेकिन साफ कहा जा रहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी और ये देश का काफ़ी सुरक्षित टीकाकरण अभियान और कोरोना वैक्सीन को माना जा रहा है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।